हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी सुबह के 2:30 बज रहे हैं, सुबह के कह लो, रात के कह लो, अभी तक हम सोए नहीं है, होटल पे हैं फिलहाल, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और खाने के लिए कुछ है नहीं। और ये देखो, ये सो गया था, ये फिर से उठ गया। तो अभी हम रात को 2:30 बजे कॉल कर रहे हैं उनको, बट मिल नहीं रहा, शायद उन्होंने कनेक्शन बंद कर रखा है। कुछ मंगवा लेते, नहीं तो हम इस बेड में सो जाएंगे हम चार जने आराम से। ये देखो, मतलब 2:30 तो यहीं बज गए हैं, सुबह हमको 6 बजे निकलना है। हम सोच रहे हैं, देखते हैं कितने बजे निकलते हैं। क्या 6 बजे? 8 बजे बोलो। चलो जो भी है, फिलहाल भूख लग रही है, बट सोना तो पड़ेगा ही क्योंकि सुबह हमको निकलना है। तो फिलहाल सोते हैं और आपसे मिलते हैं सुबह। तो गाइस, नींद ही नहीं आ रही है। टाइम देखो, 3:23 हो गया, क्योंकि पेट में बहुत ज़्यादा गुड़गुड़ हो रही है, भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। भैया भी नहीं सोए हैं, अब क्या किया जाए? मुझे नहीं लगता हम निकलेंगे 6 बजे। तो अभी रात के 3:30 बज चुके हैं, पारस देखो इतनी केयर है हमारी, और बाहर गए हैं कुछ खाने के लिए। जंगल है बाहर, पहाड़ है, उनके लिए कौन खोल के बैठेगा इस टाइम अपनी दुकान वहाँ पे। इसीलिए नींद नहीं आ रही, बहुत ट्राई कर लिया सोने का, अभी 4 बज जाएगी, फिर 5-6 हैं यार। भैया ने फ़ोन कर दिया वहाँ पे। रहने दो, फालतू में कर रहे हो। वाह, मुझे पता था, पहले तो उठाया नहीं, अब कहाँ से उठाओगे। तो अभी टाइम हो रहा है 6:37, मैं सो के उठ चुका हूँ, 4 बजे सोया था, तो पता नहीं इतनी जल्दी कैसे उठ गया। अभी फिलहाल यहाँ पे मैं बालकनी में यहाँ से व्यू दिखाता हूँ, काफ़ी मस्त है बाहर लेक का। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का है, 2 कुर्सियाँ लगे हैं बैठने के लिए, और सामने देखो ये है टिक्कर ताल, बहुत ही प्यारा व्यू है। कल हमने इसमें बोटिंग की थी, पता नहीं मैं तो 2.5 घंटे सोया हूँ, अभी जाना भी है 8-9 घंटे, राइड भी करना है, घर तक जाना है, कैसे होगा? हो जाएगा, वो तो देखी जाएगी जो होगा। रात को तो बहुत भूख लग रही थी, बट अब मैं सो के उठाऊँ ना, तो अब मुझे बिल्कुल भूख ही नहीं लग रही है। उठो उठो उठो, 7:30 होने वाले हैं, उठो उठो उठो। पीयूषी उठ जा, निकलना है, 8 बजे निकल लेंगे। तो यहाँ की मेन एंट्री है ये, इसके अंदर स्टे किया था हमने रात को, और बाइक्स हमारे यहाँ पे खड़ी है। ये वाला रूम था अपना, और ऊपर ना बादल हो रहे हैं काफ़ी तगड़े, तो बारिश भी आ सकती है। ऑनेस्टली बताऊँ तो अब ऐसी फीलिंग आ रही है कि काश मेरे पास इनोवा होती, गाड़ी होती, और यहाँ से गाड़ी में निकल लेता, बिकॉज अराउंड 300 किलोमीटर जाना है बाइक पे वापस। जाते जाते एक बार और ताल की तरफ जाके आते हैं, सुबह सुबह का टाइम है, 8 बज गए, मतलब अभी तक कोई धूप नहीं है, बादल की वजह से, नहीं तो इस टाइम तक तो काफ़ी तेज़ धूप आ जाती है यार। अभी बोटिंग स्टार्ट नहीं हुई है, बोटिंग शायद 10-11 बजे स्टार्ट होगी। बोटिंग हमने कल ही कर ली थी, जो कि आपने लास्ट व्लॉग में देख लिया था, तो वो काफ़ी सही है। अभी हम सुबह सुबह निकल लेंगे ताकि जल्दी पहुँच जाए ना। यहाँ पे ना ड्रोन शॉट्स आते हैं काफ़ी मस्त मस्त, बट मेरे पास ड्रोन है ही नहीं, मेरे को लेना था बट मुझे मिल ही नहीं रहा यार। नेक्स्ट टाइम जब दिल्ली जाऊंगा तब पता करके आऊंगा कहीं और, अगर मिलेगा तो। तो हमने चेकआउट कर दिया है, फिलहाल निकलते हैं। भैया रेडी हैं, हम भी रेडी हैं, सुबह सुबह निकल रहे हैं, 8:14 हो गए हैं। बैठो जी। शुभ यात्रा शुभ यात्रा शुभ यात्रा। ये गूगल मैप का भी पता नहीं क्या है, आते हुए हम इधर से आए थे और अभी इधर से दिखा रहा है, कुछ भूल ना गए यार, बस बाकी सब तो ठीक है। फर्स्ट टाइम सुबह सुबह इतने निकला हूँ मैं, वो भी सीधा पहाड़ों पर, कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है, प्लान है चंडीगढ़ में खाने का। रोड काफ़ी ख़राब है यहाँ पे, तो ध्यान से चलानी पड़ रही है। अभी हम पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं, फिर नीचे उतरेंगे। वैसे मेरा मन तो कर रहा है कहीं और निकल जाओ, यहाँ से शिमला 120 किलोमीटर है, शिमला सिर्फ शिमला निकल सकते हैं, बट मेरे साथ में ना पीयूष है, इसका स्कूल है और छोटा है ये ना, तो नहीं जा सकते ऐसे, घर जाना ही ज़रूरी है। अकेले होता ना तो निकल देता कहीं भी, पीयूष की रिस्पॉन्सिबिलिटी है यार। तो एक दिन के लिए आगे, अगले दिन वापस जा रहे हैं। बाय द वे, इधर से व्यू काफ़ी बढ़िया है फोटो खींचने के लिए। मेरे को ना ये वाला रास्ता ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जिस रास्ते से हम आए थे ना वो इतना अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है। देखो अब गई, जिस तरह से मैं बाइक पे एक्सप्लोर कर पा रहा हूँ, अगर गाड़ी में होता ना तो नहीं कर पाता। अभी मैं बोल रहा था कि काश मेरे पास इनोवा होती, बट अब मुझे लग रहा है कि मैं गलत बोल रहा था। तो अभी रुके हैं फोटोशूट के लिए, मतलब ये सब देख के ना हमसे रहा नहीं गया, तो अभी बाइक्स और पहाड़ के साथ में फोटो ले रहे हैं यहाँ पे। देखो ये वाला एंगल काफ़ी प्यारा आ रहा है, तो यहाँ पे कुछ फोटोज लिए जो कि आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगी, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लिया करो गाइस। मैंने अभी पोस्ट डाल दिया था, व्लॉग तो कल आएगा ना, लेकिन मैंने अभी डाल दिया था, तो इंस्टाग्राम पे भी करवाओ यार, 1-2 मिलियन हमारे भी। जब उठे थे तब थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन अब बहुत मजा आया राइड करने में इन पहाड़ों को देख के, तो चलो फिलहाल चलते हैं। ये अभी दिखा रहा है
259 किलोमीटर 4 घंटे। एक तो ढलान है, ऊपर से ब्रेक लगा रहा हूँ, पीयूष मेरे ऊपर गिर जा रहा है, पूरा लेट जा रहा है मेरे ऊपर। तो गाइस अभी हम पहाड़ों से नीचे तो आ चुके हैं, सिटी के अंदर एंटर करेंगे, उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हैं यार पहले तो। तो गाइस आज फिर से पपट हो गया, आज फिर से गलत आ गया है। फ्लाईओवर के ऊपर नहीं आना था, साइड में से मुड़ना था, बट मैं मैप में देख रहा था यार, बट स्टिल फिर भी गलत आ गया यार। अब आगे से घुमा के लाना पड़ेगा कहीं से, यू टर्न ढूंढ के। ये बताता नहीं है ढंग से यार, इसकी गलती किसकी गलती है। तो अभी हम आए हैं खाने के लिए यहाँ पे, सुबह सुबह पता नहीं कुछ मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो ब्रेकफास्ट के लिए हमने ऑर्डर किया था सैंडविच। तो गाइस खा के निकल चुके हैं, अब चलते हैं नॉन स्टॉप जाने की कोशिश करेंगे, कम से कम ब्रेक लेने की कोशिश करेंगे बिकॉज जल्दी पहुँचना है ना। तो फिलहाल थोड़ी सी रोकते हैं बिकॉज भी उसके बम में हो रही है बहुत तेज दर्द, कह रहा है रोको रोको रोको, थोड़ा रेस्ट कर लेगा यहीं रोड पे। वैसे हो तो मेरी भी है, ऐसा लग रहा है पत्थर के ऊपर बैठे हैं। पानी भी नहीं है यार, प्यास लग रही है। यहाँ से है अभी 183 किलोमीटर भाई, खड़े होकर धूप लग रही है, ऐसे बाइक चलाने में नहीं लग रही इतनी धूप। कहाँ रह गए वो, आई नहीं रहे। एक काम करता हूँ उनको डराता हूँ, कहता हूँ पंचर हो गया। पीयूष इधर, उनको डराते हैं, एकदम से आएंगे ना वो, उनको बोलेंगे पंचर हो गया, पंचर हो गया, पंचर हो गया, पंचर हो गया। हाँ पंचर हुआ, इधर देखो कील घुसी पड़ी है पूरी। धन्यवाद भैया, एक मिनट मैं हेलमेट उतार लेता हूँ। मतलब आप डेली पानी पिलाते हो ऐसे सब? अच्छा मेले का है। अच्छा पानी और प्रसाद सही है यार। नहीं नहीं बस हम खा के आए हैं। थैंक यू सो मच यार, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, छोटे छोटे बच्चे। हाँ अरे जानते हो आप, अरे वाह सब्सक्राइबर, हेलो, चलो ठीक है बाय बाय। मतलब काफ़ी अच्छा लगता है छोटे छोटे बच्चों को इस तरह से देख के यार। तो अभी अपन पेट्रोल डलवा लेते हैं, ओनली दो ही डंडे रह गए थे तो टंकी फुल करा ली है। अब यहाँ से हम सीधा पहुँच जाएंगे घर तक। तो अभी दूसरा ब्रेक, दूसरा भी दर्द हो रही थी इसलिए, खाने के लिए नहीं लेकिन दर्द से बचने के लिए, थोड़े रेस्ट के लिए हम ब्रेक ले रहे हैं। पानी दे दो यार। तो यहाँ से कुछ किलोमीटर तक मैं RC चलाऊंगा, भैया वो चलाएंगे, इसका तो एक्सपीरियंस ही अलग है यार। तो गाइस मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो जुगाड़ बोतल रखने के लिए RC में। मेरे को पकड़ ले टाइट से पीयूष। तो अभी तीसरा ब्रेक हमने लिया है, ये तो 100-110 ऐसी चली जा रही है, तो हम काफ़ी आगे आगे हम चलो ब्रेक लेते हैं, वही अपना दर्द वाला ब्रेक। मेरे हाथ ऐसे हो गया है, ऐसे करने पे वाइब्रेट वो कर रहे हैं। पता है मेरे को, मैं कल से चिल्लाता रहूं ये बात है, हाथ सुन्न हो जाते हैं, इसमें बेकार भाई गए। क्या है बेकार भाई गए, चलो इज्जत, इसने अपनी इज्जत बचा के रख ली। मैं नहीं बैठ रहा इसमें। अब नॉन स्टॉप चलते हैं, 80 किलोमीटर बाकी है ओनली। अपनी बाइक मिल गई अपने को, ये है कंफर्टेबल बाइक। एक और दर्द ब्रेक, क्या करे सहा ही नहीं जाता। सोचा था कि अब नॉन स्टॉप जाएंगे बट दर्द ही ऐसा हुआ। अभी भैया पीछे हैं तो वो जब तक आएंगे तब तक हम ब्रेक लेते हैं। अब गाइस पक्का 50 किलोमीटर बाकी, अब पक्का नॉन स्टॉप जाएंगे, अब कोई दर्द ब्रेक नहीं। अगर ऐसी रोड पे ट्रैवल करना हो ना तो बाइक बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बेस्ट है कार। अपना AC चलता है, कोई गर्मी नहीं लगती, गाने सुनो, खाओ पियो, पानी पियो, कुछ करो। बट अभी देखो कितनी तेज वाली धूप लग रही है हमको, इतनी गर्म हवा लग रही है। तो गाइस हम ओरियो से मिलने वाले हैं, बस गली में पहुँच ही गए। ठीक है मज़ा आ गया भाई। ओके मज़ा आया। ओके ओरियो सादा आगे हैं, सादा आगे है ओली, सादा आगे है ओलू, सादा आगे है। कैसे उछल रहे देखना। और ये आ जा चले, ये पहले आ गया, चले स्टूडियो में चले, आ जाओ चलो चलो ओली, चलो स्टूडियो में चलते हैं। मैं इसको पता है मैं आते स्टूडियो में जाऊंगा ना। सुबह थे पहाड़ों में, मतलब इतनी मस्त मस्त वादियों में आपने देखा, और अभी हम पहुंच गए यहाँ अपने घर। पहाड़ों में राइड करने में लिटरली सुबह सुबह मजा आ रहा था, जैसे ही हम हाईवे पहुंचे ना, धूप धूल उसमें मजा नहीं आता, उस टाइम फील आता कि यार गाड़ी होनी चाहिए, बट हम पहाड़ के लिए ही गए थे तो हमारा मिशन सक्सेसफुल रहा। फिलहाल तो नहाऊंगा बिकॉज कल भी राइड किया, आज भी राइड किया और नहाया ही नहीं, कल से इन्हीं कपड़ों में तो सब जगह मिट्टी मिट्टी घुसी पड़ी आंख नाक मुंह, और ऐसी फीलिंग आ रही है ना, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। तो पहले अच्छे से नहाता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। तो अभी नहा के रेडी हो गया हूँ, और नहाने के बाद ना अब मुझे थकान लग रही है, पैरों में दर्द, शरीर में दर्द सी लग रही है, पहले तो नहीं लग रही थी। मैं तो अभी टाइम हो गया 4:19, तो अभी खाना खाता हूँ बिकॉज सुबह जब निकले थे तभी खाया था, तब से खाया भी नहीं था। तो दुबके चावल है और थोड़ा बहुत पोहा है। खाएगी लड़की ये लोरी, खा लो। और क्या, दोनों भाई मिलके खाएंगे यार, वो मैं खा रहा हूँ, मेरे को देख रहे हो। गाइस एक चीज दिखाता हूँ, इंस्टाग्राम पे आई है, ये देखो। किसके ब्लॉग देखते हो? सारा जोशी के, सारा जोशी के,
नाच रहे हैं मेरे ब्लॉग देख के। यार ये कितना स्वीट लग रहा है ना, मतलब छोटा सा बच्चा कैसे बोला है सौरभ जो ठीक है। खाना खा के मैं बेड पे आया और थोड़ा सा मुझे नींद आ गई थी, तो अभी पीयूष आया मुझे बुलाने के लिए, कह रहा चाय पीने चलो, नीचे चाय बना दी है। तो गाइस अभी का सीन ये है कि हम वहाँ से आए और बाइक बहुत गंदी हो चुकी है, तो अभी हम जा रहे हैं बाइक को धुलाने सर दर में। चलो इसके एलोयज ना बहुत ही ज्यादा गंदे हो गए, देखना तनी क्या है कीचड़ बीचड़, तो इसको साफ करवाते हैं। आज ही आए हम लॉन्ग राइड से और आज इसको धुलवाने के लिए मैं आ गया, बिकॉज मुझे बहुत प्यार है अपनी बाइक से, तो इसको साफ सुथरा रखेंगे अच्छे से। साफ हो चुकी है बाइक अपनी, अब चलते हैं। अभी टाइम हो रहा है 9:35 और मेरा ब्लॉग आज काफ़ी जल्दी एडिट हो चुका है कंप्लीट, क्योंकि मैं काफ़ी जल्दी ही बैठ गया था और डिनर भी नहीं किया मैंने, बिकॉज मैं बैठा था ना, तो मैंने मम्मी को बोला कि ऊपर ही ले आना, क्योंकि एडिटिंग फिर एक बार चालू कर दो ना, फिर मैं रहता है कंप्लीट करके उठते हैं। सॉरी आपको कष्ट दे दिया। दो क्या बनाए, भिंडी दूध, दूध भी साथ में ले आए। होमवर्क कर लिया तूने अपना? होमवर्क आज स्कूल नहीं गया बेटे, घूमने नहीं आऊँगा आज के बाद बता रहा हूँ। जैसे तेरे को मैं घुमाने ले आता हूँ ठीक है, घूम के आते जैसे आज आया, आते ही तेरे को फोन के बजाय अपने होमवर्क पे लगना चाहिए था। वीडियो का मतलब है खेलना कूदना सब कुछ और पढ़ाई, पढ़ाई जरूरी है, अगर पढ़ाई नहीं करेगा फिर मैं तेरे को ले जाऊंगा भी नहीं। तो फिलहाल अभी मम्मी मेहंदी लगा रही है अपने हाथों में, खुद ही दिखाना कैसी लगाते हो। बचपन में हमको भी शौक होता था, हम भी लिखवाते थे अपना नाम, पत्तियां वत्तियां हम भी बनवाते थे, ऐसे लिखवाते थे। हाँ हम रास्ते में दर्द ब्रेक लेके आ रहे थे, हमें दर्द ब्रेक, हमने इतने दर्द ब्रेक लिए ना, लेकिन फुल मजा आया, पहाड़ों में राइड किया। अब आगे से और भेजते रहना ऐसी, ठीक है, अपना आशीर्वाद देके भेजते रहना। नहीं क्यों नहीं, मैं नहीं क्यों नहीं, अब तो उत्तराखंड जाएंगे, गांव जाएंगे सीधा। अभी नहीं क्यों नहीं, अभी नहीं, अभी जब कोरोना खत्म होगा उसके बाद, अभी कौन जा रहा है। चलो चलो ठीक है, बड़े मी की मीम ओपी। तो इसी के साथ आज के इस व्लॉग को मैं एंड करता हूँ, आई होप आपको पसंद आया होगा हमारी ये ट्रैवल सीरीज, जो कि हम जाके एक अगले दिन ही वापस आ गए थे, बट काफी मजा आया। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पे नए सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आ जाओ यहाँ, आ जाओ ऊपर, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, हाँ गुड बॉय, यहाँ बैठो मेरे साथ, बैठो बैठो बैठो। दुनिया में चाहे कहीं भी चले जाओ, लेकिन घर में और के साथ में रहना और खेलना इसके साथ में, वो तो अलग ही होता है।